You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. MBT kickstart its campaigning for its independent candidates today at public rally. Speeches given by MBT Chief Majidullah Khan, MBT spokesperson Amjadullah Khan, and social activist Sayyed, reported by Sheikh Ahmed, A18 Telangana News Bureau. तमाम के तमाम लूटम लाट और इस लूटम लाट पे अगर कोई अगर ये बात उठाऊं तो मैं इख्तलाफ अगर मजलूम मुसलमानों के हक की बात उठाऊं तहरीक और तहरीक की जानिब से चलो ठीक है। मैं गुज़िश्ता इलेक्शन में भी कहा कि आपके पास एक टीवी भी चलता आपका, चलो ठीक है। मैं आज इस इंतखाबात के आगाज में कह रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं, मैं अमजदुल्ला खान को दस्बरदार करा लूंगा इलेक्शन से। कल दोनों भाई 4 TV चैनल पे बैठ के मेरे से एक डिबेट करना, एक घंटे के डिबेट के अंदर फैसला हो जाएगा कि कौन हक पे है कौन ना हक है। मेरा चैलेंज कबूल करो, आप चैलेंज कबूल करो। मैं बाबरी मस्जिद पे बात करूंगा, तुमको जवाब देना होगा। बाबरी मस्जिद कैसे शहीद हुई, बाबरी मस्जिद आज राम मंदिर में कैसे तब्दील हुई, उस पर मैं डिबेट चाहता हूं। क्या डिबेट करने का अख्तियार मुस्लिम माशरे में नहीं है? अरे जब जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाया, कायनात संवारा, उस प्यारे नबी से उम्मती सवाल करके थे जिसके जवाब हासिल करते थे, अमीरुल मोमिनीन से सवाल करके जवाब हासिल करते थे, आज मैं भी एक उम्मती की हैसियत से, मुसलमान की हैसियत से, जो क़ियादत के खुद साख्ता दावेदारों से ये ऐलान करता हूं कि अगर तुम में हिम्मत है, तुम में ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मयस्सर है, आओ मेरा चैलेंज कबूल करो, आओ मेरा चैलेंज कबूल करो। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तुम्हारे 4 TV स्टूडियो को मैं अकेला तन्हा आऊंगा और तन्हा बैठकर बाबरी मस्जिद का सारा रिकॉर्ड सामने रख दूंगा और बाबरी मस्जिद कैसे शहीद हुई, कौन जिम्मेदार है, कोर्ट के अंदर किसने पैरवी किया, किसने साजिश किया, किसने RSS और संघ परिवार की मदद की है बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बनाने में, मेरा एक डिबेट का चैलेंज है। आओ मैदान में, अगर मर्द है तो आओ मैदान में, मुसलमान है तो आओ मैदान में, आओ मुसलमान है तो मैदान में आओ, आकर सामने हमने झगड़े की क्या बात है। आजकल तो RSS के हर, आपको मालूम ना, पूरे टीवी चैनल RSS कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया में, पूरे टीवी चैनल, हर टीवी चैनल आप देख लो मुसलमानों के खिलाफ सैफरन एजेंडा, जाफरानी एजेंडा चल रहा, चाहे कोई चैनल हो आप ऐसा खोलते कि संगति आपके खिलाफ, ये भी चल रहा, पूरे टीवी चैनल आज RSS वाले कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हर टीवी चैनल पे एक आदमी दिखता असदुद्दीन ओवैसी। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये कैसी सियासत है, हर टीवी चैनल पे जाके डिबेट कर रहे, ठीक है करो, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम में इतनी दानिशमंदी है, ईमानदारी है तो आओ एक बार तुम्हारे 4 TV पे मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ, क्या बुरी बात है, झगड़ा क्या है, क्या झगड़ा है, अरे तुम क्या लोगों से मिलते फिर रहे, मैं दोनों भाइयों को गले लगा के बात करता हूँ, आओ 4 TV पे बैठेंगे, घर घर में ऐलान कर देंगे आज 4 TV देखना सुजन है, एक घंटे का डिबेट, बाबरी मस्जिद, मुसलमानों के औकाफ की जायदाद, और फिर ये तुम दौलतमंद कहां से बने, 300 करोड़ का बंगला कहां से आया, आज आप देख रहे हैं ना हिंदुस्तान में एक टाइम था जब मरहूम गाजी मिल जाता, आज इंतकाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, करीब 17-18 साल हो गए, जब नहीं अमानुल्लाह खान बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के एजेंट है फलाना, मरहूम हर गली कूचे में तर्दी देते रहे, आखिरी में मक्का मस्जिद में यौमुल कुरान के दिन, जुम्मे के दिन मेंबर पे खड़े होके ऐलान किए, एक ही बात कहा था, ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे, अल्लाह इसका इंतकाम लेगा, और दुनिया देख रही है कि आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मुसलमान बोल रहा कि ये बीजेपी के एजेंट सारे हिंदुस्तान में काम, मैं नहीं बोल रहा, मैं सबर करा हुआ हूं, मुंह बंद करा हुआ हूं, वक्त आएगा तो बात बोलूंगा, अरे ऐसा बोलूंगा आज मैं तुम्हारे को जमीन तक पड़ जाना भागने के लिए, ऐसा इंकलाब बर्पा करूंगा, ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखता हूं, मैं अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद हूं
मैं तुम्हारे बनाए हुए हालात से मायूस होने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ये नापाक दौलत के जरिए तुम जो मैदान में मुहिम चला रहे हो, ऐसी दुनिया की कोई ताकत मेरे ईमान को कमजोर नहीं कर सकती। मैं अल्लाह से पुरउम्मीद हूँ, अल्लाह मुसलमानों के कुलूब को फेरेगा, इंकलाब बरपा होगा, अल्लाह ऐसा माहौल करेगा कि हिंदुस्तान में जहां तुम राम जन्मभूमि बनाने में मदद करोगे, वही बाबरी मस्जिद दोबारा अल्लाह बनाएगा। मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद हूं। मेरे भाई, अब उनके कोई जो हमदर्दियां रखे, ठीक है, मेरा भी चैलेंज कबूल करो। जब एमपी बन गए तो 2014 तक मरकज में कांग्रेस के जेर असर यूपीए की हुकूमत चली, यूपीए की हुकूमत चली और असदुद्दीन ओवैसी यूपीए के साथ थे, इस बात से वो भी इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस के साथ थे 10 साल, कांग्रेस के जेर असर थे, हम लुटते रहे, पिटते रहे। ये वो कांग्रेस थी जिसने 50,000 फसादात हिंदुस्तान में दिए। जब आप देखते हैं कि 10 साल कांग्रेस में थे, लेकिन 2014 यहां पे एक नया जाफरानी इनकलाब उठा और बीजेपी जेर इख्तदार आ गई, लेकिन 2014 के बाद से इन्होंने अपना नैरेटिव बदल दिया। इंग्लिश में कहते हैं चेंजिंग योर नैरेटिव, नैरेटिव बदल दिया, अपने नुक्ते नजर को बदल दिया। बदल के अब ये ऐलान है कि मुल्क में सेकुलर जमातों ने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। फिर 10 साल कांग्रेस के साथ थे तो क्यों नहीं लड़े? इसका मनफी असर यह है कि मैं नहीं कह रहा हूं, आज जराया बलाग के जरिए अखबार में और बिलखसूस मुस्लिम माशरे का इस मुहिम से हिंदुस्तान में बीजेपी को फायदा नहीं मिल रहा। इज्तिमाई जमीर मुसलमानों का झजोड़ रहा है और पूछ रहा है कि आज हिंदुस्तान में सारे बीजेपी को फायदा इख्तदार हासिल नहीं हो रहा है, क्या यही हिकमत का तकाजा है? मैं नहीं कह रहा हूं कोई किसी का एजेंट है, कोई बीजेपी का एजेंट है, मैं किसी पे इल्जाम लगाना और इल्जाम तराशी करने के लिए या नहीं आया, बल्कि सवाल ये है क्या इस वक्त क्या बाई डिजाइन और डिफॉल्ट फायदा तो बीजेपी को हो रहा, और वक्त का तकाजा है कि आज आने वाले हालात में बीजेपी को रोकने के लिए यहां पे हम हर उस ताकत के साथ सियासी साझेदारी करने का वक्त है जो बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त दे सकते हैं। अगर आज आप ये काम नहीं करोगे तो आने वाले हालात के अंदर हिंदुस्तान के कानून में तरमीम हो जाएगी और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने का से रोकना है तो आज वक्त का है। 2002 में मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने गुड्डी भोली बागे जहरा शाह कॉलोनी में पदयात्रा की और मेरे खिलाफ में वोट मांगी। मैं सलाम करता हूँ बागे जहरा गुड्डी भोली शाह कॉलोनी छौनी नादेली बेग और कुरमागुड़े के लोगों ने दौलत के अंबार बिछाने के बावजूद मुझको वोट दिया। मैं सलाम करता हूँ चंचलगुड़े के लोगों को जिन्होंने मुझको वोट देकर एक ऐसी ताकत बनाकर ऐवानी काउंसिल में भेजा कि कोई रात या कोई दिन ये अमानुल्लाह खान का चश्मो चिराग खामोश नहीं बैठा, लड़ता रहा ऐवानों से। जाओ जाकर देखो दरगाह हजरत इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, 50 साल का कब्रिस्तान, किसी को हिम्मत नहीं हुई। 60 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमएलए था, लेकिन ये अमजदुल्ला खान ने उसकी उस कब्रस्तान को बाउंड्री वॉल उठाया। जाओ जाकर देखो सुल्तान दायरा कब्रस्तान को किसने बाउंड्री वॉल उठाया, तो उस तख्ती पर नाम है अमजदुल्ला खान। उस हलके में पानी नहीं आता था। मेरी माँ और बहने रोजाना जाकर चंचलपुरा वाटर टैंक से पानी लाया। क्या निशान है अपना? क्या करते बिहार से? बाल को मारते ना? आता सबकू मारेंगे ना? पूरे बाल बाउंड्री के बाहर खाली ढूंढ लेते फिरना चाहिए। पहली तारीख के दिन कहाँ गए, किधर गए, कहाँ गए, किधर गए, पूरे बाल गए। बहरहाल ये इलेक्शन का जमाना है, अब निकल के आ गए, हमारे को वोट दो। क्या काम करे, क्या किस लिए वोट देना? हजार हजार रुपए गरीबों के खा गए, ये गली के लीडर खा गए ना? वो केसीआर के किराने की किट आई सोशल मीडिया पे, आप
10,000 रुपए आप हसम खा के बोलो, वो केटीआर की किट राशन की कहीं बढ़ते हुए देखे आप लोग, कहां गई वो किट? ये गली के लीडर, इनका पेट जहन्नुम की आग है, कोई चीज इनके पेट में डालो चली जाती।